हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज बात करेंगे हम लोग IUI करने का बात, ऐसा क्या करें जो आपका IUI सक्सेसफुल हो जाए। IUI सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारा टिप्स है। जो मेरा हुआ था फर्स्ट IUI एंड थर्ड IUI सक्सेस हुआ था, तो मैं क्या क्या फॉलो कर रही थी, आज ये टॉपिक पे मैं आप लोग को बताऊंगी, पूरा डिटेल में बताऊंगी। हो सके तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मैं ट्राई करूंगी थोड़ा सा शॉर्ट होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट थिंग ये होता है, अगर आप IUI करने के लिए सोचते हैं तो अच्छा सा क्लिनिक चूज़ करना चाहिए। वहाँ पर बहुत सारा मेडिकल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारा मेडिकल में बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं रहता है, जिसके वजह से थोड़ा बहुत आपका IUI पर इफ़ेक्ट होता है। और सेकंड चीज़ ये होता है, आपको जब इंजेक्शंस दिया जाता है, मेडिसिंस दिया जाता है, आपको भी उसको लेना चाहिए। बहुत सारा महिलाएं ऐसे होते हैं जो इंजेक्शन 3 दिया जाता है, 4 दिया जाता है, वो एक ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 1 तो उसमें से स्किप कर देते हैं। बट उन लोग को पता नहीं होता है, अगर वो लोग वो इंजेक्शन स्किप करते हैं तो भी एक का साइज़ बढ़ने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो अगर आपको जो भी इंजेक्शंस दिया जाता है या मेडिसिन दिया जाता है, उसको आपका प्रॉपरली लेना रहता है। और उसके बाद आपका एक का साइज़ क्या रहता है, कैसे रहता है, कितना होने का बाद ही आपको HCG इंजेक्शन दिया जाता है कोलैप्स होने के लिए, वो सब भी डिपेंड करता है। आपका एंडोमेटिकल थिकनेस जो रहता है वो कितना है, वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सुइटेबल है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है। और ख़ास चीज़ ये होता है, अगर आपका जो IUI जो क्लिनिक में होता है, बहुत सारा क्लिनिक ऐसा होता है जैसे कि नॉर्मल पेशेंट जो बेड में रहते हैं, फ्लैट सा बेड, वो बेड में IUI करते हैं, बट वो बेड में IUI करने से सक्सेस होने का चांसेस थोड़ा सा कम रहता है मेरे हिसाब से। क्योंकि जो IUI बेड होता है, OT में जैसे सब बेड रहता है आपका, मतलब कमर से नीचे तक थोड़ा सा जैसे उठा सके, आपका ये डाउन हो के रहे, उसे क्या होता है जब स्पर्म को इंसर्ट किया जाता है तो वो इजीली फॉलोपियन ट्यूब तक जा सकते हैं, तो बाहर में निकलता भी नहीं है। तो वो बेड में करने का बाद आधा घंटा से लेके 45 मिनट तक आपको वही बेड में लेटे ही रहना चाहिए। उसके बाद अगर आप अपना मतलब होम टाउन पे करते हैं, IUI के बाद सीधा घर आते हैं, तो आपको एटलीस्ट 1 घंटा वहाँ पे रेस्ट लेने का बाद ही आप ट्रैवल करके आइए। नहीं तो अगर आप वहाँ पे रहते हैं लॉज लेके या फिर होटल पे रहते हैं, तो आपको ये करना है, आप ट्राई कीजिए 1 से 2 दिन लेके वहाँ पे रेस्ट करने के लिए। उस टाइम ट्रैवल करना थोड़ा सेफ़ नहीं होता है। अगर आपका पास ऑप्शन नहीं है तो आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप रह सकते हैं तो रहने के लिए, रेस्ट लेने के लिए थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ये था IUI होने तक। उसके बाद अगर आपका IUI हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना है? IUI होने का बाद क्या होता है, जब भी डॉक्टर उस टाइम मेडिसिन देते हैं, प्रोजेस्टोरेन हार्मोन का मेडिसिन देते हैं, खाने के लिए हो या फिर पुश करने के लिए, उसको आपको प्रॉपरली लेना रहता है। क्योंकि बहुत सारा महिला ऐसे होते हैं, 10 मेडिसिन दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, 3-4 पुश करते हैं या बाकी छोड़ देते हैं, या 3-4 लेते हैं बाकी मेडिसिन सब छोड़ देते हैं, आज लेते हैं कल याद नहीं रहता है। ऐसा नहीं होता है, आप एक टाइम फिक्स कीजिए, उसी टाइम डेली पुश कीजिए या खाइए, जो भी कीजिए, प्रोजेस्टोरेन हार्मोन नाम का जो मेडिसिन दिया जाता है, जैसे लेने के लिए कहा जाता है आप उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। और किसी किसी को ऐसा होता है फॉलिक एसिड भी टैबलेट दिया जाता है, उसको भी आप लीजिए। आप सोचेंगे विटामिन से इसको नहीं लेंगे, स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर डॉक्टर ने दिया है तो वो आपका प्रेगनेंसी को 100% हेल्प करेगा, प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए, इसीलिए आपको ये मेडिसिन सब दिया जाता है। अगर आपका IUI में फर्टिलाइज हो जाता है तो इम्प्लांट होने के लिए 6 से 12 दिन के अंदर इम्प्लांट होता है, तो वो टाइम भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आपको ये करना है, इम्प्लांट के टाइम हेयर वॉश नहीं करना है। नेक्स्ट आपको गर्म चीज़ कुछ नहीं खाना है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स आता है, नॉनवेज आता है, मसालेदार चीज़ आता है, ये सब आपको स्किप करना है। आप नॉर्मली डाइट फॉलो कीजिए, जैसे सुबह कुछ ब्रेकफास्ट में हल्का कुछ खाइए, इसके बाद 11
10-11 बजे आपको ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स इसको लीजिए। ड्राई फ्रूट्स मतलब एक, अगर आप लेना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स तो उसमें आलमंड एक रहना चाहिए, आलमंड एक, अखरोट एक, यही दो लीजिए आप। मतलब काजू को स्किप कर दीजिए, काजू बहुत गर्म होता है तो उस टाइम आपको काजू स्किप करना चाहिए। तो इसको थोड़ा बहुत 11 बजे, तो इसको आप 11 बजे के आसपास इसको ले लीजिए। फिर आप जैसे लंच लेते हैं उसमें थोड़ा सा राइस या रोटी दाल आप ट्राई कीजिए, जितना हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने के लिए, इसमें आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, तो इसको ले लीजिए। फिर आपको 4-5 बजे कुछ स्नैक्स ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं या फिर मूंग या चना का स्पाउट भी ले सकते हैं शाम का टाइम में। फिर रात को जैसे ही आप अज़ीज़ा लेते हैं डिनर, वैसे ही ले सकते हैं, बट आपको डिनर 8 बजे के अंदर कर देना चाहिए और उसके बाद 1.5-2 घंटा के बाद ही आपको बेड को जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है स्ट्रेस, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बहुत सारा महिलाएं ऐसे हैं सोच सोच के उनका अगर फर्टिलाइज हो जाता है उसको वो मिसकैरेज करवा देते हैं, ये सोच सोच के मेरा कंसीव होगा नहीं होगा, उसके बाद मैं क्या करूँगी नहीं होगा, तो ये सब बिल्कुल दिमाग से हटाना चाहिए। जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये सोच के क्यों कंसीव नहीं होगा, दिल में पॉजिटिविटी माइंड में लाना चाहिए, नेगेटिविटी को पूरा अंदर से निकाल देना चाहिए। हो सके तो दिन में 3-4 बार आप मेडिटेशन कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के लिए जैसे आपको टाइम मिलता है बैठते हैं फ्री टाइम मेडिटेशन कीजिए, कुछ मैगजीन्स पढ़िए, कुछ भगवान का कुछ बुक्स होता है जो वो सब आप थोड़ा पढ़िए, आपका मन भी पूरा हल्का रहेगा, इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। और कुछ नहीं तो मूवी देखिए जैसे आपका टाइम पास हो और आपको स्ट्रेस ना हो। अगर कोई लेडी वर्किंग लेडी है तो ट्राई कीजिए थोड़ा बहुत रेस्ट लेने के लिए, भारी काम भी नहीं करना रहता है, जैसे कि आपका प्रेशर पड़े यूट्रस पर तो वो सब काम भी आपको नहीं करना रहता है, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। खाने में पूरा बिल्कुल डाइट फॉलो कीजिए, खाने में बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो ये सब फॉलो करने से वो क्या होता है, आपका जो कंसीव तो होता ही है, अगर आप आईवीएफ होता है कंसीव होने का साथ, ये सब आपको बहुत हेल्प करता है सक्सेसफुल इम्प्लांट के लिए। तो मैं ये सब बहुत ध्यान दी थी, ये सब फॉलो की थी, मेरा फर्स्ट एंड थर्ड आईवीएफ जो था वो सक्सेसफुल हो गया था, बट किसी कारण से फिर मिसकैरेज हो गया। वो मेरा दूसरा कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से मिसकैरेज हो गया, बट आप अगर ये सब प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपका 100% सक्सेसफुल होगा, क्यों नहीं होगा। पहले तो आपको दिमाग से नेगेटिविटी को निकालना है, मेरा नहीं होगा जो ये वर्ड होता है ये बहुत नेगेटिव वर्ड होता है और ये आपका आईवीएफ पर बहुत असर होता है। तो आपको फर्स्ट थिंग ये है कि इसको आपका दिमाग से पूरा ही निकालना है। तो भगवान पर भरोसा रखिए, अगर आपका आईवीएफ हुआ है तो आप खुश रहिए, ज़रूर आपका आईवीएफ सक्सेसफुल होगा। अगर एक बार नहीं होगा 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग को, ये अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय बाय।